प्रथम तहलका न्यूज। रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले बनकर तो तैयार है, लेकिन अफसोस कि कोई इन्हें खरीदने वाला ही नहीं है। कोरोना का संक्रमण भले ही थम सा गया है, लेकिन फिर भी इसका असर हमारे त्योहारों पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि देश में आज यानी 15 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन लगता है कि रेवाड़ी में इस त्योहार की रौनक फीकी ही रहेगी, क्योंकि जिला प्रशासन ने रावण दहन की अनुमति जारी नहीं की है। हालांकि स्पष्ट तौर पर रोक के आदेश भी जारी नहीं है। इस असमंजस के चलते रामलीला कमेटियों ने इस बार रावण तैयार ही नहीं करवाए। आपको बता दें कि शहर के हुड्डा ग्राउंड में तकरीबन 50 फीट ऊंचाई के दो रावण के पुतलों का दहन होता रहा है, और इसके साथ ही शहर के गली मोहल्लों में भी रावण का दहन किया जाता रहा है। मुझे क्या मानते हैं इसको? मुझे वो ये लोग नहीं बिकाई जी, मुझे चार भी नहीं बन पाए थे, इस साल भी बेकार गए थी, इस बार भी बेकार गए, ताकि लोगों की वजह से और ज़्यादा पिछली बार से इस बार कुछ अच्छा रहा या पिछली बार ठीक था? पिछली बार ठीक था जी, इस बार तो बेकार है। इस बार बेकार है, इस बार सारे घाटे में जा रहे हैं। कितने रुपये के आपने रावण बनाए थे? जाती लागत 1000 से लेकर के छोटा से लेकर के बड़ी तक 5-5 हज़ार की लगती है, 4 हज़ार की लगती है। काफ़ी पैसे आपके जो है इसमें लग चुके हैं। कितने बच जाते हैं ग्राउंड बेचने? एक राउंड बच जाते जी 2000 ही बच जाते हैं, 500 ही बच जाते हैं, छोटे में बड़े में भी, बड़े में जैसे 3000 बच गए, 4-5 की मेहनत लगा करके। अगर छोटा बनाते हैं तो ये हम रावण बना रहे सर, यहाँ पर पूरा परिवार के था। पूरा परिवार पढ़ते हैं आप? ग्यारहवीं कॉमर्स ले रखी है आपने, तो पूरा परिवार लग रहा है, बहनें भी लग रही है, पिताजी भी लग रहे हैं। कितने दिनों से यूँ लग रहे हो? करीब एक महीने से बनाने में लग गए, कम से कम 10 दिन से यहाँ पर। 10 दिन से लगातार काम कर रहे हो? 10 दिन से लगातार। तो कोई अगर बिक्री की बात कर ले तो कैसी बिक्री हो रही है इस वक्त? बिक्री तो सर कुछ नहीं है इस वक्त, जो हमारे सारे गाँव से एक भी बुकिंग नहीं हो रहा। क्या मानते हैं इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे एक तो पिछले साल लॉकडाउन था, हो सकता है लॉकडाउन की वजह से लोग ना खरीदे हो, सरकार के कोई ऑब्जेक्शन है, बट हम यहाँ पे रावण बना रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 2 साल पहले रावण के पुतलों की भारी मांग हुआ करती थी। रावण बनाने वाले कारीगर महीनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते थे, लेकिन पिछले साल इस बार रावण बनाने वाले कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट भी आ खड़ा हुआ है। बीते एक पखवाड़े से रावण बनाने वाले कारीगर का पूरा परिवार रावण बनाने के काम में लगा हुआ है, लेकिन अफसोस की बात है कि इन पुतलों की बिक्री हो ही नहीं रही। सर अब तो कोई लाभ नहीं है इनमें, जैसे पहले थे लॉकडाउन से पहले बहुत ज़्यादा हमारा लाभ था, और रावण काफ़ी बनते भी थे और बिकते भी थे। एक बार हमने कम बनाए फिर भी वो भी नहीं बिके, बड़े बड़े बनाए और बड़े बड़े सारे रखे हमारे, छोटे भी नहीं बिके। वजह क्या मानते हैं आप? वजह ये है लॉकडाउन की वजह से थोड़ा काम मंदा बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में जो है खर्चा जो लग गया जिस रावण जो आपने बनाया, जो लागत हमारी लगी है वो कुछ भी नहीं मिलती हमारे, वो भी नहीं निकल पाई? नहीं, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये मेरे पापा करते थे, उससे नहीं काम है करते आ रहे हो? जब भी काम हम कर रहे हैं। अगर रिवाड़ी की बात कर ले तो कितने परिवार यहाँ आप काम कर रहे हो? परिवार 50 क्या रहे हैं यहाँ? ये हम रावण बना रहे हैं। कितने रावण बना चुके अभी तक? अभी तो हम 10 बना चुके रावण। 10 रावण बना चुके, लेकिन बिक्री नहीं हो पा रही? नहीं, हमारी बिक्री नहीं हो पा रही। वजह क्या मानते हैं? अच्छा, तो हमारे पास तो एक भी ऑर्डर नहीं है, हम कहते हैं कि बिक जाए हमारा, ये यहाँ से लगाए बैठे भगवान के ऊपर। तो आज तो लास्ट दिन है, अभी तो हम तो भगवान से उम्मीद करते हैं कि हमारी बिक जाए। हाँ। अभी एक भी नहीं बिका है? नहीं, अभी नहीं। पूरा परिवार आपके छोटा छोटा ही भाई लग रहे हैं, माँ लग रही है? हम स्कूल की पढ़ाई छोड़ के जब लग रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई छोड़ रखी है कितने दिनों से? प्रशासन की असमंजस की हालात ने कोड में खाज का काम शुरू कर दिया है। प्रशासन ने रावण दहन की अनुमति नहीं दी तो रोक भी नहीं लगाई है, लेकिन हर एक इलाके के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट जरूर नियुक्त कर दिए गए हैं। ऐसे में आम लोगों में असमंजस के हालात पैदा हो गए हैं, इसलिए रावण के खरीदार नहीं रहे। प्रथम तहलका के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र की रिपोर्ट।